नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और 25, क्योंकि 24 का सिलेबस है तो वो 25 में भी काम में आएगा। जो लोग 25 में के लिए तैयारी करेंगे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 24 वालों के लिए तो इंपॉर्टेंस रखती है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख रहे हैं अपन, ये लगभग ये अपना छठवां वीडियो है फुल लेंथ का, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपना ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो 16 नंबर का वीडियो है। तो ऑल कोचिंग की पेड जो टेस्ट सीरीज होती है उसको अपन यहाँ पे पीडीएफ में समझते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये इस बार का 110 पोस्ट है तो प्री कैसे निकालेंगे, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने चैनल को सर्च कर सकते हैं कीज टू सक्सेस एकेडमी, और आगे अगर एमपीपीएससी डाल देंगे और तो ये सबसे पहले जो वीडियो आएंगे वो सब अपने ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंधों का हाथी तट की खोज अपलक और क्वासी उन्मादिनी, ये रचनाएं आपको कोट मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 2, 1, 3, 4, अर्थात क्या हो जाएगा अंधों का हाथी शरद जोशी, तट की खोज हरिशंकर परसाई, अपलक के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना बालकृष्ण शर्मा नवीन अपलक और कुसुम, है ना। उन्मादिनी की बात करेंगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 ही बोली किस बोली का अन्य नाम है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना, ये हो जाएगा जांदो माटी, ठीक है। 24 बोली इसका नाम है। नेक्स्ट है कि बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है पूछा है, ये हो जाएगा अर्धमागधी से। नेक्स्ट है कि सुमिलित करना है, दो सूची दी गई, सुमिलित कीजिए जल्दी से जल्दी, मिला लिया होगा राइट आंसर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, अर्थात मध्य प्रदेश। समारोह कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे ध्रुपद ग्वालियर में, बालकृष्ण शर्मा ये हो जाएगा अपना शाजापुर, और सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में। नेक्स्ट है रामपायली का मेला किस नदी के किनारे लगता है, रामपायली का मेला, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंदन नदी के किनारे लगता है, ठीक है। और अगर जिला की बात करेंगे तो ये बालाघाट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति से विशेष पर्व है, किस जनजाति का है ये मेघनाथ पर्व, ये गोंड जनजाति का है, ठीक है। फागुन माह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अविवाहित लड़कियों का प्रमुख त्यौहार है पूछा गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं, बताइए राइट आंसर इसका हो जाएगा आखा तीज, जो है अविवाहित लड़कियाँ कुंवारी कन्याएं जो होती है उनका है, वैसा शुक्ल तृतीया को यह मनाया जाता है, ठीक है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो मालवा और बुंदेलखंड दोनों जगह अपनाया जाता है। अमजद अली खां एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं भाई, ये बजाएंगे सरोद बजा देंगे, ठीक है, अमजद अली खां। नेक्स्ट है कि सुमिलित करना सूची का, सूची 2 दी गई है, मिलान कीजिए जल्दी से जल्दी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 1, 2, 3, 4 सब मिले हुए हैं आपस में। रेलोगित मालवा में हो जाएगा, गरबी हो जाएगा निमाड, देवारी हो जाएगा बुंदेलखंड, घोटुलपाटा बघेलखंड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते परधोनी किस जनजाति का लोकनृत्य है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा अपना बेगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बेगा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। मंडला बालाघाट यहाँ पर इसका निवास क्षेत्र है। पेमा भत्या किस चित्रकारी से संबंधित है, तो ये सभी को पता है पिथौरा से संबंधित है, भील जनजाति से है ये, ठीक है। साची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी पूछा गया है, तो ये हो जाएगा जॉन मार्शल ने की थी 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद सांची संग्रहालय, ठीक है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, 30 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुवादनी, बहुभाषी है ये, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकता है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये हो जाएगा अपना आलिया भट्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है, राइट आंसर भारत में ही की गई है, ठीक है, अपने जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी उनके द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलायंस जियो ने भारत GPT प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है पूछा है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा IIT बॉम्बे के साथ किया है भारत GPT प्रोग्राम के लिए रिलायंस जियो ने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीना सिंह, ठीक है, CISF के बारे में बात की जा रही, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाडा द्वारा एक वर्ष के लिए निलंबित पूजा ढांडा का संबंध किससे है, किससे संबंधित है, नील ढांडा कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, डोपिंग में फंस गई। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा पोम्पे रोग का संबंध किससे है, पोम्पे रोग ये आनुवांशिक रोग है, ठीक है, पोम्पे रोग, ठीक, और ये इसमें आधा कोमा में चला जाता है मनुष्य, ठीक है, इससे थोड़ा सा याद रखिए और कुछ भी नहीं ज़्यादा। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किस देश ने प्रारंभ किया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून ने स्टार्ट किया है पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम, ठीक है, कैमरून कमरे में स्टार्ट किया है, ऐसा देखो कमरे में, तो कमरे में मलेरिया नहीं फैलता है क्योंकि वहाँ पे मच्छर नहीं आते, तो वैक्सीन लगा लेंगे अपन मलेरिया का, ठीक।
नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, 21 का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ से किया है? ये हो जाएगा अपना लक्षद्वीप से किया है, ठीक है, कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये हो जाएगा जर्मनी ने जीता है यूनाइटेड कप, ठीक है, जर्मनी ने। नेक्स्ट देखते हैं सर कि भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा अपना राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में किया गया है, ये याद रखिएगा, थार मरुस्थल में। नेक्स्ट है इसके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। 26 का राइट आंसर क्वेश्चन देख लीजिए पहले। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गलत है, बाकी सभी सही है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाली अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुनता है। बैंकिंग लोकपाल के द्वारा दी गई सेवाएं जो होती है वो निःशुल्क होती है, ये इसके बारे में जो जानकारी थी। और बैंकिंग लोकपाल योजना जो सबसे पहली आई थी वो 1995 में आई, ठीक है, ये तय याद रखिएगा। और NBFC के लिए लोकपाल 2018 में आई। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, SIDBI, राज्य सहकारी। तो स्टेट बैंक एक सहकारी संस्था नहीं है, मतलब एक शीर्ष संस्था नहीं है, इसके ऊपर RBI काम करता है, इस हिसाब से इसको समझने में थोड़ा सा गलती कर देंगे आप लोग। जब भारतीय रिजर्व बैंक सावधिक नकदी अनुपात को वर्ष आधार कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है, पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 28 का, ये हो जाएगा अपना सी, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की एक दर को घटा सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कि समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य है, पूछा गया है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सही नहीं है, पूछा गया है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी सही नहीं है। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई, सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है, इनमें से व्यापार में उदारीकरण लाया गया है इसके द्वारा। 31 का राइट क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, ये हो जाएगा IBRD करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित ही नहीं है, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन नहीं देता है, पूछा गया। तो ये डिजिटल इंडिया हो गया, औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं करता है ये, ठीक है। 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी ये, ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के जिस लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है, सिफारिश की है, पूछा गया। तो कौन है ये, हो जाएगा अपना आबिद हुसैन समिति के द्वारा की गई थी ये, लघु क्षेत्र के वस्तुओं के आरक्षण समाप्त करने के बोला था इन्होंने। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, ये हो जाएगा अपना डी अर्थात 1 और 4, ठीक है, कृषि से संबंधित हो जाएगा और अपना पादप संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन में ये 2 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, मतलब कौन कौन से अपन आयात करते हैं, ऐसे कौन से मद है इसमें ऑप्शन में। राइट आंसर हो जाएगा खाने योग्य तेल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं, वनस्पति तेल भी जिसे बोला जाता है, ठीक है, पाम ऑयल, पाम ट्री बोलते हैं ना अपने इंडोनेशिया, इधर से बुलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, पूछा है, कौन सी है वो, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर जैविक कृषि है, जो पर्यावरण संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनता का अर्थ क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना, इसका ये अर्थ है कि वित्तीय संपत्ति, वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनियमन किया जा सकता है, मतलब कि जो रुपये है उसको डॉलर से या यूरो से, है ना, इस टाइप का, या येन से है, युआन से परिवर्तन किया जा सकता है, ये इसका मतलब है, विदेशी संपत्ति परिसंपत्ति जो भी है, ठीक है, उससे। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा अपना गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना मैंगनीज, जो कि कोरापुट में नहीं मिलता है, बाकी लोहा इसको कुद्रेमुख में मिलता है, कर्नाटक में, तांबा खेतड़ी राजस्थान में, और कोयला सिंगरौली अपना हो जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और कोरापुट की बात करें तो कोरापुट में बॉक्साइट मिलेगा ना कि मैग्नीज, ठीक है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पश्चिमी दक्षिणी भारत इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि समांतर फसल का उदाहरण है
क्या है समानता फसल का उदाहरण? गेहूं के साथ सरसों करेंगे तो ये समानता फसल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के बाद कि भाई निम्नलिखित में से पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं फिर आपको, देख लो ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब भूमि की कम या शून्य जुताई, खेतों में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और फसल अवशेष को खेत में रहने देना। नेक्स्ट स्टेज के बाद की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार कथनों में से सही कथन को चयन करना है, तो इसमें से चयन करो जल्दी से। इसका चयन करेंगे अपन, ये हो जाएगा इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, बाकी गलत है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कौन सा वो क्षेत्र है, किस बारे में बात हो रही है? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, कौन सी, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? ये हो जाएगा महोगनी। महोगनी जो है हिमालय वनस्पति नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सभी यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि जूनीपर, सिल्वर फर और स्प्रूस। नेक्स्ट है कि अपसारित मानसून किन महीनों में होता है? अपसारित मानसून किस महीने में होता है? ये हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि भाई अपसारित मानसून का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई भी अगर वर्डिंग आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो उसका इंग्लिश में देखना ही देखना है। नेक्स्ट है कि अल्पकालिक जलवायु संबंधी कथन के लिए पिछले दशक में अज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल छीन मानसूनी वर्षा से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा अल निनो और दक्षिण दोलन सिद्धांत है, इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? कहाँ पर मिलती है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता? तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, इसका स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। केरल का कुट्टनाड या पुट्टनाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अपना भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है, कुट्टनाडु। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है? वो गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। गंगा की सहायक जरूर है लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी वो, तो ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पर्वत, दर्रा और राज्य दिए गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नाथुलम मेघालय में बोला जा रहा है, जो कि अपना काम पर हो जाएगा सिक्किम में। बाकी सभी सही है, जोजीला जम्मू कश्मीर, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 53, सूची का मिलान करना है, राज्य दिए गए उनकी सबसे ऊंची चोटी बताना है, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मिलान कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक मिलान, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं अपन। इसका राइट आंसर जिसने जिसने सी लगाया उसका सही है। तो क्या हो जाएगा, केरल का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनायमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में है। फिर उसके बाद नागालैंड की बात करेंगे तो ये सारामती हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी, और तमिलनाडु की हो जाएगी अपने डोडाबेट्टा, ठीक है, याद रखिएगा डोडाबेट्टा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, पूछा गया, ठीक है, 53। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शिवालिक आएगा पहले, फिर लघु हिमालय, फिर महानिमालय, ठीक है, आपको दक्षिण से उत्तर पूछा है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया हुआ है, ये बताना है, 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जैव विविधता के बारे में बात कर रही है, जैव विविधता दशक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित में से कौन सा रोग होने की संभावना है या हो जाएगा, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, बेरी बेरी रोग के बारे में, अगर आप पॉलिश वाला चावल खाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन करता है ये काम करता है, पनीर करता है, ठीक है, पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाएगा आपको, प्रोटीन तो मिल ही जाएगा, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो पनीर को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। पनीर की सब्जी खाने से अच्छा है कि पनीर को आप ऐसे ही कच्चे ही खा लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। नेक्स्ट है कि सूची एक और सूची दो का मिलान करना है, यहाँ पर कुछ सूची एक में फल, बीज, कास्ट और मांड दिए गए, उनसे संबंधित चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो अभी तक आप मिलान कर चुके होंगे, राइट आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना बी, अर्थात जिसने बी लगाया वो सही हो जाएगा, कि फल से संबंधित हो जाएगा, फल अंडाशय से होता है, ठीक। फिर बात करेंगे अपना बीज, बीज की बात करें तो बीज में बीजांड होता है, ठीक। कास्ट की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे तो पत्ती से संबंधित है, और इसके बाद है अपना स्टार्च, जो कि मांड जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो तने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नाभिक या केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, किस में होता है, ये डीएनए में होता है। नाभिक या केंद्रक के अलावा कहाँ पर होता है, कोशिका के किस अंग में होता है डीएनए, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल स्याही बनाई जाती है, किस चीज़ से लाल स्याही बनाई जाती है, ये लगा लीजिए राइट आंसर। इसका हो जाएगा ईओसीन से मिलकर बनाई जाती है लाल स्याही, ठीक है, ईओसीन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, किसमें कार्बन नहीं है, कार्बन की प्रेजेंस किसमें नहीं होती, ये हो जाएगी अपनी बालू, कार्बन नहीं होगा, ठीक है, सिलिकेट होगा वहाँ पर, ना कि अपना कार्बन होगा। तो हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, कोयला, ये सब चीज़ में कार्बन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा 61 का सोडियम होगा, बी ऑप्शन में सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है या विकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अपना ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से ये निरंतर कार्य करता है, ठीक है। सूची एक और सूची दो का मिलान करना है, यहाँ पर वाट नॉट मतलब कुछ इकाई दी गई है और किससे किससे संबंधित है यह बताना है आपको, मिलान कीजिए जल्दी, 63 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, जिसने भी सी मिलाया है राइट आंसर उसका सही है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि वाट संबंधित हो जाएगा शक्ति से, पावर से हो जाएगा, नॉट की बात करेंगे तो नॉट किससे हो जाएगा, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको नॉट बोलते हैं। नॉटिकल मील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नौ संचालन से समुद्र में जो दूरी है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, ठीक है, नॉटिकल मील बोलेंगे। मतलब कैलोरी की बात करेंगे तो उसमें से हो जाएगा, जो समुद्र में जो जहाज चलेगा उसकी स्पीड हो जाएगी अपनी नॉट, ठीक है। और अगर वहीं बात करेंगे तो कितने नौ संचालन मतलब डिस्टेंस कितनी है, तो हो जाएगी नॉटिकल मील, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, कौन सा नहीं है, 64 का राइट आंसर देख लीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इसका विशेष अधिकार नहीं है, मतलब लौटा नहीं पाएगा वो, साधारण बिल को लौटा देगा, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, ऐसे बहुत सारे कार्य करता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो ये हो जाएगा अपना 43A, ठीक है, आर्टिकल 43A, 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो ये किसको करेंगे, ये हो जाएगा नियंत्रण का अभाव, ठीक है, इसको अपन स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या अर्थ होता है, 66 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 67 सॉरी 67 का राइट आंसर लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम का आशय क्या हुआ, विधि का नियम का आशय हुआ कि सभी के लिए एक कानून होगा, और कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक न्याय तंत्र होगा, किसी के लिए अलग नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्शनल केस में हो जाएगा, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने सुना होगा, ग्राम न्यायालय आपने सुना होगा, पर्यावरण न्यायालय आपने सुना होगा, तो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में नहीं आता है, वो हो जाएगा अपना विरोध का अधिकार नहीं आता, बाकी सभी आएगा, समानता, शोषण के विरुद्ध, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है इसके, जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव हो रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सटीक लाइन है ये, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद की सूची एक और सूची दो का मिलान करना है, मौलाधिकार कार्य संचालन संघ शक्ति प्रारूप, 70 का राइट आंसर देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, मिला कीजिए कौन किसका अध्यक्ष था, ये हो जाएगा अपना ए, जिसने लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब क्या है, मौलाधिकार का कौन था, सरदार पटेल जी थे। उसके बाद करेंगे कार्य संचालन की बात करेंगे तो यह हो जाएगा अपना KM मुंशी, संघ की बात करेंगे तो ये बात करेंगे अपन जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप की बात करें तो BR अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया 71 का, तो ये कौन सा हो जाएगा देख लीजिए, केंद्र की अवशिष्ट शक्ति है जो कि बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है या ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा कैनेडा से ली गई है, बाकी सभी सही है। मौलिक अधिकार तो राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, राज्य की नीति निर्देशक तो आयरलैंड से, आपातकालीन शक्ति है जर्मनी से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है, तो ये भाग और अध्याय पूछ ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, संभावना है, क्योंकि आपको अनुच्छेद तो आपने रट रट के बैठे हो, लेकिन बात है कि भाग क्या कौन लोग याद करके बैठा है, तो यहाँ से लोग बहुत सारे अब अगर आया क्वेश्चन तो सही करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग 11 में है और अध्याय नंबर 1 है, उसमें इसका संघ और राज्यों के विधायी संबंध का उल्लेख मिलेगा, विधायी संबंध पूछा है ना कि प्रशासनिक और ना कि वित्तीय,
तो थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना उसको। इस सूची का सूची दो का मिलान करना है यहाँ पे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अनुसूची दी गई है, किसका किससे संबंधित है बताना है। ठीक, 73 का राइट आंसर देख लीजिए, लगाओ जिसने सी लगाया उसका सही हो गया। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें भाषा है जो कि लगभग 22 भाषाएं मिल जाएगी आपको। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा दल परिवर्तन से संबंधित, निर्हरता, निर्हरता के ऊपर मतलब निर्योग्यता, किसको इनवैलिड घोषित किया जाएगा उसके बारे में प्रावधान। सूची का सूची दो का फिर से मिलान करना है, अनुच्छेद दिए गए 324, 15, 315, 280, 378, 74 का मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, अभी लिख मिला लिया होगा आपने। 324 में संबंध हो जाएगा निर्वाचन आयोग को, 315 से संबंधित हो जाएगा अपना लोक सेवा आयोग, फिर 280 से बात करेंगे तो वित्त आयोग, 338 में हो जाएगा एससी लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति लिखा है। एसटी की बात करेंगे तो 338 ए हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर इसके बाद अपन ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो 338 बी में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना तो ये याद रहेगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने बोला है ये, कौन महानुभाव है वो, ये हो जाएगा 75 का राइट आंसर, B.R. अंबेडकर जी ने बोला है ये। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कौन सा लक्षण है वो ऐसा जो दोनों जगह समान पाया जाता है, ये हो जाएगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक, नेक्स्ट है कि इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, 77 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सी कि इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था, ये सरासर गलत है, बाकी सभी सही है। कि जैसे यह कृषि राजस्व रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी, इसने बेचौलियों की भूमिका को बढ़ावा दिया और इजारेदारी राज्य को उसमें एक निश्चित राशि का भुगतान करता था, कौन, इजारेदार। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृति और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे, कौन है वो, ये महान शासक बोलते हैं कई लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। महान बोलने के पीछे कारण यही है क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अकबर एक महान शासक था या फिर इसको आपके ऊपर थोपा गया है, तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सर हमारे ऊपर थोपा गया है, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, आपको फिर वो दिख जाएगा कि बायस डे है, ऐसा नहीं बोलना है अपने को। सहनशील आदमी था ये, तो इसने सभी धर्मों को बाकायदा सभी तरीके से सम्मान दिया, सभी लोगों को सम्मान दिया, जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहा है। ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक है जो आपको लगता है कि मतलब हिंदू धर्म के सिक्के की आकृति ढाल करके चला दें, ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं, इल्तुतमिश ने भी चलाया है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने जितने काम किए उतने किसने नहीं किए, तो तीर्थयात्रा पे से कर हटा दिया, फिर जजिया हटा दिया, ऐसे बहुत सारे काम किए, ठीक है। अब तुलसीदास और सूरदास जो इन्हीं के समय थे तो इनको संरक्षण भी दिया इन्होंने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है पूछा गया, तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा अपना आत्मदमन से संबंधित जो इनकी अवधारणा है, एक बोलता एक बहुत कठिन तपस्या के बारे में बात करें, एक नॉर्मल तपस्या जो मीडियम बात है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से तीर्थंकर दिए गए और निर्वाण स्थल दिए गए, तो इसमें मिलान करना है कि भैया कौन सा मिलान नहीं है, तीर्थंकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 80 नंबर का क्वेश्चन कौन सा किससे देख लो, तो भाई इसमें कौन सा गलत है, ये हो जाएगा वासुपूज्य जो कि समय शिखर बोला जा रहा है, ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ऋषभनाथ अष्टपद हो जाएगा, ठीक है, उसका नेमिनाथ उर्जयंत में, और महावीर के बारे में बात करेंगे तो ये पावापुरी में हो जाएगा, ठीक है। अब वासुपूज्य की अगर बात करेंगे तो वासुपूज्य कहाँ पर हो जाएगा, चंपा में, ठीक, चंपा चंपापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसे ये याद रखना। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, जो वेद और वेदांग पढ़ाएगा उस अध्यापक को क्या कहते थे, उसको कहते थे अपन उपाध्याय कहते थे, ठीक है। बदले में ये कोई शुल्क नहीं लेता था, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब बदले में ये थोड़े बहुत शुल्क ले सकते थे। आचार्य जो होता है वो शिक्षा का कार्य करता था, लेकिन वो बदले में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता था, उसे आचार्य कहते हैं, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, मोक्ष की चर्चा किस में मिलेगी, वैदिक साहित्य के बारे में बात हो रही, तो ये हो जाएगा अपना डी, यहाँ पर ही आपको आत्मा मोक्ष इन सब की, ब्रह्म इन सब का उल्लेख यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट है कि सूची को सूची दो का मिलान करना है, इसमें वेद दिए गए और उसमें उल्लेख दिया गया कि किसमें क्या उल्लेख मिलता है। 83 का राइट आंसर आपने अभी तक लगाया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात देखते हैं अथर्ववेद में क्या मिल रहा है कि औषधियों से संबंधित ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बात हो रही है
और अपना बचता है यजुर्वेद, यहाँ पे बलिदान विधि यज्ञ विधि के विषय में उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत का ग्रंथ है तो ये यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी, वो क्या कहलाती थी आपको बताना है इसके बारे में। तो ये हो जाएगा अपनी सभा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भोगोज को ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मिला यहाँ से ऐसा कि भैया ये महत्वपूर्ण हो गया, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ देख लिया होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी और देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। अरुण हो गया है ना, ऐसे वरुण हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, ऐसे इनके नाम मिलते हैं यहाँ पर वैदिक देवताओं के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, 86 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका धोलावीरा बी के थापर, जो कि गलत बोल रहे हैं, बाकी सभी सही है। हड़प्पा में दयाराम साहनी जी ने खोज की है, लोथल की एस आर राव ने, सूरकोद्दा की जे पी जोशी ने की है, ठीक है। और अगर बात की जाए अपनी धोलावीरा की, तो धोलावीरा की भी जे पी जोशी ने ही की है, ऐसा याद रखिएगा। और 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है, धोलावीरा को, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, कौन सी नहीं है, मतलब हड़प्पा के पूर्व के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो 87 के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा झोप, बाकी सभी है आमरी सोथी कोटदी जी, ये सब प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। तीन चार पशु के मिलता है, तो इसमें से एक पशु का नाम बताना है जिसका नहीं मिलता, तो घोड़े का नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाएगा, बैल, हाथी, भेड़, गेंडा, हिरन, बकरा, खरगोश, ये सब मिल जाते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक को क्या नाम था, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र नाम था उनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेना ले जाने के लिए किया जाता है, किसके बारे में बात हो रही है, ये अपनी बात हो रही है ये सभी की, मतलब माउस भी ये काम करेगा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब काम करते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है। बायोमेट्रिक सेंसर निम्नलिखित में से किन अंगों की पहचान सत्यापित करने में सक्षम होता है, 91 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सभी कार्य करता है, फिंगर, फेस, पाम और आइरिस और रेटिना, आंखों की पुतली बोला जाता है जिसको, ये सब बायोमेट्रिक में आते हैं, ये सब आप लोग व्याकरण का पेपर देते तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ तो हो ही गया होगा, तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता निम्न में से कौन सी है, पूछा 92 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बी और सी, अर्थात बहुआयामी उपयोग और कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बुद्धि। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइन वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, 93 का ये हो जाएगा अपना वेब कैम्स कहलाते हैं, ठीक है 93। नेक्स्ट है 94 में सूची का मिलान करना, डिवाइस और उसके उपयोग दिए गए हैं, सर्वर, रिपीटर, हब और राउटर, 94 का मिलान कीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ए, जिसने लगाया उसका सही हो जाएगा, सर्वर से संबंधित हो जाएगा कि अपना डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करना सर्वर का कार्य है। वहीं रिपीटर के बारे में बात करें तो क्या होता है, सिग्नल को रीजनरेट करके उसको ट्रांसमिट करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको आगे तक भेजता है, रिपीटर कार्य ये करता है। वहीं बात करेंगे हब की, तो हब क्या कार्य करता है, डिवाइसेस को जोड़ देता है, हब की मतलब ये ना, ये आप कहीं पर जैसे बैठे हैं, जैसे यहाँ पर आकर के, तो ये आकर के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ना इस हब पे बैठे हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। वहीं आप राउटर के बारे में बात करेंगे तो राउटर क्या कार्य करता है, नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है कि कुछ उपकरण दिए गए उनके कार्य बताना है, तो कार्य बताओ उनके, इसका राइट आंसर मतलब ये नहीं पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है इसमें, 95 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए सही नहीं है, बाकी सभी सही हो जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्क के कंप्यूटर को जोड़ने वाले माध्यम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की सहायता करता है। एक्सेस के बारे में बात करें कि दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है परंतु वास्तव में दूसरे से भेजा गया कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो स्पूफिंग कहलाती है, स्पूफिंग, ठीक। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते के परिभाषित करता है, कितने बीट को परिभाषित करता है ये, 97 राइट आंसर इसका अपना हो जाएगा 128 बीट, ठीक। नेक्स्ट है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है, 98 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना DDoS, डिनायल ऑफ
सर्विस अटैक, ठीक है, DDoS बोलते हैं। सो DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई क्रांति के लक्ष्यों में सम्मिलित NGSIS का पूर्ण रूप क्या है? 99 राइट आंसर इसका हो जाएगा, नेशनल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किसानों के लिए विकसित किया गया, ठीक है, संदेश पाठक। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.